धनबाद जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH अस्पताल में गिरिडीह जिले की 8 साल की मासूम बच्ची को देर रात भर्ती कराया गया है। मासूम बच्ची गिरिडीह जिले की रहने वाली है। 8 साल की मासूम बच्ची से बिरनी प्रखंड के मुखिया के पति ने दुराचार किया था। सदर अस्पताल गिरिडीह से रेफर कर SNMMCH अस्पताल भेजा गया है। गिरिडीह जिला के बिरनी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने 8 वर्षीय बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। आरोपी मुखिया कंचन देवी का पति मिंकू मंडल है। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल जांच के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने बच्ची की स्थिति गंभीर देखते हुए उसे धनबाद SNMMCH अस्पताल भेज दिया। मासूम के पिता ने बताया कि उसकी बेटी अपनी मां के साथ नदी में नहाने गई थी। मुखिया कंचन देवी भी साथ थी। मुखिया अपने घर से साबुन लाना भूल गई थी, उसने बच्ची को साबुन लाने अपने घर भेजा। वहां मिंकू मंडल ने बच्ची से दुष्कर्म किया। उसके बाद बच्ची लहूलुहान की स्थिति में नदी पहुंची और घटना की जानकारी अपनी मां को दी। इसके बाद इस मामले को दबाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन बच्ची की मां ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की तफ्तीश जानकारी ली तथा बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया, जहां से उन्हें गंभीर स्थिति देखते हुए धनबाद रेफर कर दिया है। धनबाद SNMMCH के अध्यक्ष अरुण वर्णवाल ने बताया कि इस तरह की जानकारी मुझे प्राप्त हुआ है कि कल रात्रि में एक 8 साल की बच्ची के साथ वहीं के पड़ोसी मुखिया पति ने दुष्कर्म किया है। डॉक्टरों की निगरानी में मासूम है, जांच किया जा रहा है। इस मामले को पुलिस को जानकारी दे दी गई है। उसी घर गया था, किस लिए? साबुन पहुंचाने गया था। उसी घर मुखिया का, मुखियान का, हमारा बेटा लड़की का? नहीं नहीं नहीं, जिसके घर गया किसके नाम? मिकू मंडल। कौन है मिकू? मिकू मंडल। क्या नाम है? वही है। यहाँ क्या साबुन पहुंचाने गया? हाँ, क्या वही ले गया उधर हमने लड़की पकड़। बात करो तो लड़की बताएगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? फिर आप तो आके जानकारी क्या मिला? हमने थे घर में, वो उधर से आया, मम्मी को बताया अपने, तब तक हम पहुँच गए। उसके बाद क्या थाना को सूचना दी है? नहीं, डायरेक्ट वो मोमेंट में ब्लड तब चल रहा था ना, तब डायरेक्ट आ गए हैं हॉस्पिटल, डायरेक्ट वहाँ से फिर यहाँ भेज दिया। हाँ, यहाँ रात में यहाँ भेजा है। हाँ, सदर से लिया सब जान। आपकी बेटी कितने साल की है? 8 साल का। पढ़ती है कौन सी क्लास? तीसरा क्लास में। तीसरा क्लास पढ़ती है। जो मिकू मंडल है वो कौन है? मुखिया का पति है। पति है उनका? पति का क्या नाम? मुखिया जी का क्या नाम? मुखिया जी का कंचन देवी। कंचन देवी। कंचन कौन से कहाँ के रहते हैं? खेदवारा। खेदवारा खेदवारा कहाँ? खेदवारा पस्ती है। कौन प्रखंड? बिरनी। बिरनी थाना जिला जिला गिरी। अपने गाँव। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? न्याय। क्या न्याय? क्या चाहते हैं? न्याय जो होगा, इंसाफ को चाहते हैं आप लोग? नहीं, उसको जो होगा, हमारा लड़की बर्बाद किया तो उसको क्या छोड़ेंगे? हमको इंसाफ नहीं होगा। वही बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, इसकी सूचना मुझे मिली है, लेकिन बच्ची बहुत छोटी है और भयभीत भी है, अतः वो अंदरूनी जाँच नहीं करने दे रही है। तो अब उसे बच्ची को मूर्छा की दवा दे करके बेहोश करने के बाद उसकी जांच की जाएगी, और जांच करने के बाद जो हमें हमारे चिकित्सक को जो जांच में फाइंडिंग मिलेगा तो उसी हिसाब से जांच पदाधिकारी को उसको सूचना दी जाएगी, पुलिस को भी सूचना देनी चाहिए। रात में आएगी।